पहले रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और फिर बारिश के बाद इस बार सर्दी भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। ला नीना के प्रभाव से दिसंबर, जनवरी और फरवरी के दौरान दिल्ली समेत पूरे उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इस दौरान दिल्ली NCR के साथ उत्तर भारत के कुछ और राज्यों में भी न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक जा सकता है। शीतलहर और कोहरे के दिन भी इस साल कहीं अधिक रहने के आसार हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस साल सर्दी की दस्तक अक्टूबर में ही हो गई थी। तापमान में लगातार गिरावट आ रही है तो कोहरा पड़ना भी जल्द ही शुरू हो गया। पहाड़ों पर बर्फबारी भी समय से पूर्व ही शुरू हो गई। इस समय भी उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी हवाओं के टकराने से मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश चल रही है। दिल्ली में अक्टूबर में अंत में रात का तापमान 58 साल में सबसे ठंडा दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार एल नीनो और ला नीनो से मौसम चक्र में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इंडोनेशिया और आसपास के देशों में ला नीना के असर से बारिश औसत से अधिक हुई। इसका असर नवंबर में भी देखने को मिल रहा है। दिसंबर में अत्यधिक ठंड दिनों की संख्या भी काफ़ी बढ़ सकती है। ला नीना सहित अत्यधिक बारिश और जलवायु परिवर्तन के संयुक्त प्रभाव से इस बार दिसंबर से जनवरी तक शीतलहर वाले दिन भी औसत से दोगुना हो सकते हैं। औसत रूप से सर्दियों के मौसम में ऐसे दिन 4 से 5 रहते हैं और कोहरा लगभग 22 दिन पड़ता है। इस साल ये संख्या 10 और 45 हो सकती है। ला नीना के प्रभाव से भी भारत ने इस साल 1975 के बाद से 7वें सबसे अधिक देरी से मानसून वापसी देखी। अतीत भी दक्षिण पश्चिम मानसून 2010 से शुरू होकर 2016, 2017, 2020 और 2021 में एक दशक की अवधि के दौरान 5 बार विलंबित हो चुका है। ला नीना मौसम पैटर्न उत्तरी गोलार्ध में सर्द सर्दियों का कारण बनता है। इसके असर से भारत के कुछ हिस्सों में अत्यधिक ठंड पड़ने की संभावना है। वहीं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी और फरवरी कुछ उत्तरी राज्यों में विशेष रूप से ठंड होंगे, जहां तापमान ठीक होने से पहले 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। वहीं स्काईमेट वेदर के मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन के अध्यक्ष का कहना है कि एक के बाद एक दूसरे ला नीना की एक बड़ी संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 तक अत्यधिक ठंड पड़ सकती है। इस अवधि के दौरान समुद्री घटनाओं के चरम पर होने की उम्मीद है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सर्दियों की तीव्रता दुनिया के अन्य हिस्सों में घटते कई अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।